हे गाइस, वेलकम टू एलकेमिस्ट ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट थायराइड, थाइमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इन अवर प्रीवियस वीडियोस। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए आते हैं आज के हमारा टॉपिक पर है, जो कि है एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए, हमारी बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी पर पाई जाती है। अब हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती है? ऑब्वियस सी बात है, वन पेयर होती है। तो एड्रिनल ग्लैंड भी हमारी बॉडी में वन पेयर होती है। अब इसका दूसरा नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये सुप्रा रीनल ग्लैंड इसे क्यों कहते हैं? देखिए, सुप्रा का मीन्स होता है एक तरह से इंटीरियर पार्ट से, और रीनल वर्ड रिलेटेड है किडनी से, तो इस वजह से इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये जो ग्लैंड है वो दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब ये दो टाइप के टिश्यू कौन कौन से है? देखिए, जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होता है उसे बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला, और जो आउटसाइड का पार्ट होता है उसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, ये अभी हमने बताया कि पहले तो इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। अब ये जो आपको येलोइश पार्ट दिख रहा है ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये जो इसका मिडल पार्ट है ये है एड्रिनल मेड्यूला। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको डिवाइड किया गया है थ्री लेयर्स में। फर्स्ट को कहते हैं जो कि इनर लेयर है, जोना रेटिकुलरिस। मिडिल लेयर को कहते हैं जोना फेसिकुलेटा, और आउटर लेयर को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलेसा। अब बात करते हैं इसके हॉर्मोन्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एड्रिनल मेड्यूला से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो एड्रिनल मेड्यूला से दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम लोग इसे कॉमनली बोलते हैं कैचिकोल एमिन्स। और ये दो टाइप के हार्मोन्स कौन से होते हैं? एक होता है इपिनिफ्रिन, दूसरा होता है नॉरइपिनिफ्रिन। अब इपिनिफ्रिन और जो नॉर इपिनिफ्रिन है वो कब रिलीज होते हैं? जब हमारी बॉडी में, जब हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं या कोई इमरजेंसी होती है और हमें डिसीजन लेना होता है बहुत जल्दबाजी में, या फिर हमें बहुत स्ट्रेस होता है, तो उस टाइम पर ये बहुत तेजी से सिक्रीट करते हैं। इस वजह से इपिनिफ्रिन और नॉर इपिनिफ्रिन को इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। अब ये जो दोनों हॉर्मोन्स हैं ये क्या करते हैं? ये हमारी अलर्टनेस को इंक्रीज कर देते हैं, हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसके साथ साथ हार्ट बीट को, इन स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिस्पायरेशन को भी ये इंक्रीज कर देते हैं। इपिनिफ्रिन और नॉन इपिनिफ्रिन और क्या क्या करते हैं? ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं। अब जब ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करेंगे तो आपको पता होगा कि ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है। तो इस वजह से हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ ये जो हॉर्मोन्स हैं वो लिपिड और प्रोटीन के भी ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन्स की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कई सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं, कॉमनली इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। अब जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उन कॉर्टिकॉइड्स को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन निकलेंगे उसको हम लोग ने जनरली नाम दे दिया कॉर्टिकॉइड्स। अब वो कॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे उनको बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और हमारी बॉडी में जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है कॉर्टिसोल। इसी तरह से वो कॉर्टिकॉइड्स जो हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करेंगे, उनको रेगुलेट करेंगे, तो उनको हम लोग ने जनरली नाम दे दिया है मिनरलोनोकॉर्टिकॉइड्स का। अब हमारी बॉडी का मेन कौन सा है हार्मोन? वो है एल्डोस्टेरोन। अब कॉर्टिसोल जो है हमारी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, और इसके साथ साथ किडनी के फंक्शन को भी मेंटेन करता है। जो कॉर्टिसोल होता है वो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरोन जो है मेनली एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल्स किडनी में पाई जाती है।
इसके साथ साथ देखिए, जब एक्सक्रीशन आपने पढ़ा होगा, तो एक्सक्रीशन में एक प्रोसेस आता है री एब्जॉर्प्शन का। उसमें किस चीज़ का री एब्जॉर्प्शन होता है? जो हमारे जो हेल्पफुल मिनरल्स रहते हैं उनका एक्सक्रीशन ना हो, इसके लिए एक्सक्रीशन में एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पर फिर से उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो वहाँ पर Na प्लस मीन सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो उसको स्टिमुलेट कौन करता है? कॉर्टिसोल करता है। इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन्स करता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा बॉडी फ्लूड के वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेनेंस का कार्य कौन करता है? एल्डोस्टेरोन करता है। अब आगे बात करते हैं डिसीज की, एक हल्का सा इस पे ओवरव्यू लेंगे। तो जब एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, तो जब ये अंडर प्रोडक्शन में होता है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन आ जाता है, तो एक्यूट वीकनेस हो जाती है हमें, फैटिक हो जाती है। तो इस डिसीज को हम लोग बोलते हैं एडिसन डिसीज। और डिसीज का एक हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, जो कि एड्रिनल ग्लैंड था। इसके अलावा अगर आपने थायराइड, थायमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं देखा है, तो आई बटन पर लिंक दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।